मॉड्यूल 123 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पोस्ट पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विच इज गिवन बाय द डी एस एम फाइव सो जब हम बात करते हैं डायग्नास्टिक क्राइटेरिया की तो उसमें जो हम पी डी एस सी डिस्कस करेंगे दैट विल बी डिस्कस इन रिलेशन टू चिल्ड्रन ठीक है आप चिल्ड्रन में सिक्स इयर्स एंड यंगर की बात करता है डी एस एम फाइव वो कहता है कि बेसिकली हम किस वक़्त ये कहेंगे कि जो बच्चा है उसने उसको पी डी एस टी है उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जिसको अपने जहन में रखना है दैट इज़ द क्राइटेरिया ए अगर क्राइटेरिया ए के तीन चीज़ों में से आपको लगे कि एक चीज़ बच्चे ने एक्सपीरियंस की हुई है या विटनेस की हुई है तो हम उसे पी में फॉल करेंगे अब पहली चीज़ क्या है कि उसने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हो ट्रॉमेटिक इवेंट यानी बच्चे के साथ कोई ट्रैफिक हादसा हो गया हो ठीक है उसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई उसकी इंजरी आ गई है कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है अर्थ है फ्लड है कोई भी नेचुरल डिजास्टर है वो उसने एक्सपीरियंस किया है फ़िज़िकल एब्यूज़ किया गया है उसे या उसे सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया है ठीक है तो इस तरह का कोई भी इवेंट जो उसने डायरेक्टली एक्सपीरियंस uh, किया हो ठीक है सेकेंड चीज़ क्या है कि उसने विटनेस किया हो विटनेस का क्या मतलब है कि वो चीज़ उस बच्चे के ऊपर एक्सरसाइज तो नहीं हुई लेकिन उसने वो होते हुए देखा है वो विटनेस किया है ख़ुद इन पर्सन और हुआ किसके साथ है टू अदर्स ठीक है अब टू अदर्स जो हैं उसमें प्राइमरिली uh, वो क्या कह रहा है? कि केयर गिवर्स के साथ यानी उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स uh, को कोई पेरेंट्स uh, से कोई एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया है या उसने इसी चीज़ को देखा है कि उसके पेरेंट्स को फिजिकली अब्यूज़ किया गया है तो इस किस्म की कोई चीज़ जो है या उसके पेरेंट्स को सेक्शली अब्यूज़ किया गया है कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने विटनेस की हो दैट इज़ सम में जो थर्ड इम्पॉटेंट पॉइंट है वो ये है कि या उससे पता चला हो ठीक है कि उसके पेरेंट्स के साथ या उसके केयर गिवर जो हैं उनके साथ कोई इस किस्म का इवेंट हुआ है अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वर्ड पेरेंट और केयर गिवर आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम बच्चों के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम ये दो टर्मिनोलॉजीज़ बोलते हैं इसकी वजह ये है कि इट इज़ नॉट कम्पल्सरी कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा हो सर्टेन टाइम ऐसा होता है लाइफ में कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि अपने गार्डियंस के साथ रह रहे होते हैं या केयरगिवर्स के साथ रह रहे होते हैं तो जिसके साथ भी बच्चा ज़्यादा टाइम गुजारता है अगर उसके साथ भी कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसको बच्चा विटनेस करे तो डेफ़िनेटली उसका भी इफेक्ट बच्चे के ऊपर होगा अब इसके अंदर हम किस सिचुएशन में कहेंगे कि बच्चा जो है उससे पी नहीं है वो हम इस सिचुएशन में कहेंगे जब बच्चे ने विटनेस की हो ये चीज़ें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है यानी उसने टेलीविजन में देखा है मूवी में देखा है या पिक्चर्स में देखा है अगर उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है तो उसको हम पीडीएसटी नहीं कहेंगे लेकिन अगर उसने रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है विटनेस किया है या उसे किसी ने बताया है तो उस फॉर्म में हम कहेंगे कि बच्चे को पी है देन वी विल मूव टूवर्ड्स द बी क्राइटेरिया अब बी क्राइटेरिया में क्या है कि वो कहता है कि बेसिकली वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंट्रीजन सिम्टम्स जो हैं वो बच्चे के अंदर आने चाहिए वो कौन से हैं ये पांच अब ये जो पांच हैं इन पांच में से उस बच्चे के अंदर एक या एक से ज़्यादा जब सिम्टम्स आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो पी को एक्सपीरियंस कर रहा है अब वो कौन से सिम्टम हैं नंबर वन के उसको मेमरीज उसको आ रही होंगी मेमरीज uh, जब हम कहते हैं कि उसको मेमरीज आ रही होंगी इसका मतलब ये है कि बच्चा बैठा हुआ है और उसको वो इवेंट जो है वो रिकॉल हो रहा है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि जी कोई क्यों उसको मिला और उसके बाद जो है उसकी मेमोरी ट्रिगर हुई नहीं वो रिकरंट होगी और इन्वलेंट्री होंगी ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि उसको रिकरंट डिस्ट्रेसिंग थीम्स आएंगे जिसका जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट विद द ट्रोमेटिक इवेंट तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ड्रीम आना तो पहली चीज़ हमने पढ़ी क्या थी दैट इज़ द मेमरी नंबर सेकेंड चीज़ जो हम डिस्कस हैं वो क्या है दैट इज द डिस्ट्रेसिंग इवेंट दैन उसके अंदर जो थर्ड पार्ट है वो है डिसोसिएटिव रिएक्शंस ठीक है जिसके अंदर बच्चा क्या करेगा कि वो आ, बच्चा बेसिकली उनट्स को या फ्लाश बैक्स को आ, वो जो उसको फील हो रहे हैं उनको अपनी आ, जो डिफरेंट गेम्स हैं उनके अंदर प्ले करने की कोशिश करेगा ठीक है और इसके साथ साथ होगा क्या बेसिकली द चाइल्ड इज़ स्टार्टिंग टू सी यू के ओके आई वांट टू प्ले और जब वो प्ले करेगा तो उसके अंदर वो वही इवेंट जो पूरा हुआ होगा उसको प्ले करने की या दोबारा से रिलिव करने की कोशिश करेगा ठीक है देन पॉइंट फोर्थ के ऊपर हम आ जाते हैं कि अगर कोई उसको इंटरनल या एक्सटर्नल क्यूज़ मिल रही हैं जो कि uh, ट्रामा से रिलेटेड हैं तो उसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो वो एक्सपीरियंस करेगा अब इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर बच्चे ने विटनेस किया है एक्सीडेंट तो जब भी कोई गाड़ी उसके पास से गुजरेगी या हॉर्न होगा तो वो उसका ट्रिगर बन सकता है और वो एकदम से खौफजदा हो सकता है या अगर किसी बच्चे को बच्चे ने सेक्सुअल एब्यूज़ को एक्सपीरियंस किया है तो कोई भी शख्स जो उससे रिलेटेड फीचर्स रखता होगा जब भी वो उसको देखेगा आ, तो वो उससे खौफजदा हो सकता है ठीक है और आ, इसके साथ साथ क्या होगा कि कुछ फिजियोलॉजी रिएक्शंस जो हैं वो भी बच्चे को आ सकते हैं जिस तरह आ, अगर बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बाजू में पेन है तो उसकी वजह से भी उसको वो ट्रॉमा जो है वो रिमाइंड होगा या अगर उसका वो जो आ, इंजरी है वो हील हो गई है लेकिन लेटर ऑन उसे कोई और इंजरी हुई है तो फिर वो दोबारा से इवेंट जो है वो उसको रिकॉल हो सकता है देन वी विल मूव टू वर्ड्स द क्राइटीरिया सी अब क्राइटीरिया सी के अंदर वो क्या कहता है कि वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ठीक है जिसके अंदर वो क्या कहेगा कहता है कि परसिस्टेंट अवॉइडेंस है किससे उस स्टिमुलस से जो कि उस ट्रोमेटिक इवेंट के साथ रिलेटेड है या वो अपना जो मूड है उसको और अपनी कॉग्निशंस को नेगेटिवली ऑल्टर कर लेगा अब अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस के अंदर क्या है कि वो वैसी एक्टिविटीज़ प्लेस और फिज़िकल रिमाइंडर्स जो हैं उनको अवॉइड uh, करने की कोशिश करेगा फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है uh, अपने स्कूल के अंदर तो माइट भी वो स्कूल जाने से अवॉइड करें या अगर उसने वो एक्सपीरियंस की है अपने किसी रिलेटिव के घर में तो वो वहाँ पे जाने से अवॉइड करे इसी तरह प्ले ग्राउंड में तो इस किस्म की चीज़ों को वो अवॉइड करना शुरू कर देगा ठीक है इसी तरह जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जो सिचुएशंस हैं उनको वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा बिकॉज ही फेल्ट के वो जो सारा ट्रामेटिक इवेंट है वो दोबारा से रीकोलेक्ट होना शुरू हो जाता है यानी इट माइट पॉसिबल के बच्चा उस इवेंट के बारे में उस चीज़ के बारे में बात करना ना करना चाहे ठीक है तो ये सिम्टम्स जो हैं आ सकती हैं क्राइटेरिया सी के अंदर ही हमने देखा था कि दे सेट के माइट बी जो कॉगनीशनस हैं वो ऑल्टर होना शुरू हो जाए या मूड जो है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाए अब इमोशनल स्टेट्स कैसे हैं जैसे मिसाल के तौर पर हो सकता है उसके अंदर फियर डिवेलप हो जाए गिल डवेलप हो जाए अगर एक बच्चा है और वो अपने Uh, किसी सबलिंग के साथ बाहर जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया है और सबलिंग जो है वो इंजर्ड हो गया है तो माइट बी कि उसके अंदर ये गिल्ट डेवलप हो जाए या वो आपको ये रिपोर्ट करे कि जी मेरी वजह से जो है वो इसके साथ ऐसा हुआ था ठीक है uh, तो इट माइट पॉसिबल कि इस किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो बच्चा आपको रिपोर्ट करे इसी तरह आ, बहुत से गेम्स जो होती हैं या जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं इट मे पॉसिबल कि वो उनमें इन्वॉल्व होना ना चाहे ठीक है तो अगर वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वाल्व नहीं होगा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा तो इट मे पॉसिबल के उसका जो बिहेवियर है वो सोशली विड्रॉन हो जाए जिस तरह एकदम से बच्चा जो है वो अकेला रहना शुरू कर दे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दे तो इट ऑल्सो रिफ्लैक्ट के देयर इज़ समथिंग हैपनिंग तो फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है के अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना छोड़ दे पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना किस तरह छोड़ेगा कि एक अगर, अगर, अगर बर्थडे पार्टी है और वहाँ सारे बच्चे चेयरफुल हैं तो माइट भी वो बिल्कुल आइसोलेटेड होके खड़ा हो जाए और जो उसका मूड है आ, वो आ, जो है वो वैसा ना रहे जैसे बाकी लोगों का है बल्कि वो थोड़ा सा सैड हो जाए देन वी विल मूव टू द क्राइटेरिया डी अब यू नीड टू बी लाइक क्लियर कि आपने जिस तरह क्राइटीरिया बी के अंदर उन्होंने कहा है वन और मोर क्राइटीरिया सी में उन्होंने कहा है वन और मोर इसी तरह क्राइटीरिया ए में कहा है वन और मोर तो इसका मतलब यह है कि इन सिम्टम्स में से एक, -एक चीज़ भी होगी तो आपने उसे डायग्नोज कर देना है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी सिम्टम्स होना उस बच्चे के अंदर ज़रूरी है ओके क्राइटीरिया ए में हम क्या बात करते हैं के बच्चे की जो एरोज़ल और री एक्टिविटी एसोसिएशन होती है ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ वो जो है वो वर्स होना शुरू हो जाती है वो कैसे वर्स होना शुरू होती है कि उसका इरेटेबिलिटी बिहेवियर और एंगर आउटब्रस्ट आना शुरू हो जाते हैं हाइपर विजिलेंस शुरू हो जाती है टाटल रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम विद कंसनट्रेसन शुरू हो जाती है और स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं यानी अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्ल बिहेवियर्स हैं उसके जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और वो किस तरह चेंज होता है कि बच्चा एकदम से बहुत हाई अलर्ट हो जाएगा यानी कोई अगर कोई उसने एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया है और कहीं हल्का सा भी बैंग हुआ है तो वो एकदम से उसके अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन ठीक है इसी तरह जो कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम है यानी वो कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ठीक है इसी तरह स्लीप डिस्टरबेंसेस जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी कि उसको रेस्टलेसनेस जो है वो स्लीप के अंदर होना शुरू हो जाएगी देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्राइटीरिया ई जो ड्यूरेशन है इन सब सिम्टम्स की वो वन मंथ होनी चाहिए उसके बाद क्राइटीरिया एफ़ जो है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो उसके uh, प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रेस क्रिएट करना शुरू कर देगी उसके रिलेशनशिप में जो कि पेरेंट्स के साथ सिबलिंग्स के साथ पीयर्स के साथ और केयर गिवर्स के साथ हैं और जी क्राइटेरिया कि ये सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होने चाहिए थैंक यू